सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का 13th चैप्टर करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, राइट एंड थंब रूल, यूजेस ऑफ मैग्नेट एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब कुछ हमने किया था। आज इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप करेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नाउ सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें तो सर्कल का मतलब कोई भी चीज़ एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे एंड होती है। जब सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। सर्कुलर लूप इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रेट वायर्स। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर। ईच स्मॉल सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब इसमें डायग्राम में देखिए, आपके पास दो सिचुएशंस दे रखी हैं, दोनों सेम ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसे हमने वर्टिकली बनाया हुआ है और इसको हमने हॉरिजॉन्टली बनाया है। अब इसमें एरोज जो हैं ये करंट की डायरेक्शन बताते हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है नॉर्थ एंड साउथ। जब हम सर्कल के पास में होते हैं, जो हमारा सर्कुलर लूप है इसके पास में होते हैं, तब यहाँ पे प्रॉपरली सर्कल बन रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस एक्सटेंड होता जा रहा है तो ये सेमी सर्कल में और एक टाइम के बाद में ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस और माइनस साइन है, तो एक में एक बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। करंट हमेशा दो ही तरीके से फ्लो हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। नाउ इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द सेम मैनर एज इट इन द केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रेट करंट में स्ट्रेट कंडक्टर, अगर उसमें हम बात करें स्ट्रेट कंडक्टर की, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था। आज इसमें हम सर्कुलर लूप पढ़ रहे हैं, तो दोनों केसेस में बिल्कुल सिमिलर होता है। वही एक बार लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन लेते हैं। इन केस ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन कंसेंट्रेटिक सर्कल्स अराउंड एवरी पार्ट ऑफ द कंडक्टर। इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे इसके हैंड रिटन नोट्स आपको PDF की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस वाले पोर्शन में मैंने बहुत ही ज़्यादा भर भर के लिखा है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको नोट्स यहीं से मिल जाएं, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ सर्च करना ना पड़े या फिर आपकी मेहनत कम लगे। तो आप यहाँ से पूरे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। नाउ सीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड टू रिमेन क्लोजर वेन नियर टू द कंडक्टर, सो द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर नियर द लूप। जब कभी भी हम लूप के पास में होते हैं, जब हमारा पूरा प्रॉपर सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रांगनेस या स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर वेन वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। फाइनली एट द सेंटर द आर्क ऑफ अ बिग सर्कल वुड अपियर एज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम धीरे धीरे सर्कल के, ये हमारा सर्कल है, इसके सेंटर के पास जब आएंगे तो जो आर्क होगी वो धीरे धीरे स्ट्रेट होती जाएगी। नाउ अब इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस सिचुएशन में क्लॉकवाइज करंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो, और किस केस में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लॉकवाइज। नाउ ये बैटरी है और की से जब ये सर्किट कंप्लीट होगा उसी टाइम पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में ये चीज़ बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी लाइन नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो हम इमेजिन करते हैं, और जब करंट पास होता है उसी टाइम पे ये एग्जिस्ट करती हैं, विदाउट करंट ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं तो। नाउ ये जो डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसमें जितना भी हमने पढ़ा है उसको इन शॉर्ट आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है, और ये सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो करवाया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार CBSE में पूछा जाता है। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर डिपेंड्स आर।
अब ये पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे तीन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू अ वायर। इफ करंट इज इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्लेस इन साइड वायर ऑल्सो इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये हमारा फर्स्ट केस है। अगर उसमें सर्किट में करंट पास हो रखा है, अगर वो इंक्रीज करता है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होती है वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों केसेस इक्वल होना। अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। और वहीं अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऑपोजिट होता है। अगर इंक्रीज सिचुएशन स्टार्टिंग में है तो बाद में वो डिक्रीज करती है, और अगर डिक्रीज है तो फिर वो इंक्रीज करती है। और बाकी ये न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगी, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। इफ द रेडियस इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे अगर रेडियस इंक्रीज करती है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। ये वन मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ स्मॉलर रेडियस इज मोर देन दैट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ लार्जर रेडियस। नाउ थर्ड वन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्कुलर वायर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर वायर आर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इंक्रीजेस। तो इसमें दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। ये तीन पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड दो सिचुएशंस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ी थी करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट हो, सेकंड सर्कुलर लूप, एंड थर्ड वन इज सोलेनॉइड। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले सोलेनॉइड का मतलब पता होना चाहिए। सोलेनॉइड इज अ कॉइल विद मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब ये जो इंसुलेटेड वर्ड है मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज किया है। इंसुलेटेड कॉपर वायर हम इसलिए सोलेनॉइड में यूज करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। सोलेनॉइड कुछ इस टाइप से दिखता है, इतनी बार यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल के। नाउ सोलेनॉइड इज अ कॉइल विद मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये कुछ ऐसी सी शेप होती है सोलेनॉइड की। नाउ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट। अब अगर हम सोलेनॉइड देखें जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, या फिर बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, दोनों सिचुएशंस में जो करंट कैरिंग होता है या जो मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न होता है दोनों में सेम होता है। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड बिहेव एज अ साउथ पोल, सेम एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में भी हम दो ही पोल्स पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये डायग्राम देखिए, ये हमारा सोलेनॉइड का डायग्राम है। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल पे आए हुए हैं, ये बार मैग्नेट। अब इसमें ए बी के बिहाफ पे आप साउथ और नॉर्थ में डायरेक्शन देखेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ जब सोलेनॉइड की बात करेंगे तो हमें रियोस्टेट ऐड करना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड सिमिलरली टू अ बार मैग्नेट विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड में वो हमेशा पैरेलल होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहेंगी सोलेनॉइड में। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा सोलेनॉइड है, ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हो रही है और नीचे भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की हुई है, तो ये दोनों पैरेलल है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड में भी सेम होती है जैसे कि बार मैग्नेट में होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग होगी या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं या फिर जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। नाउ बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से 2-3 पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट।
अब एक नई टर्म आई है, जब कभी भी सोलेनोइड के अंदर कोई भी मैग्नेट फॉर्म्ड होगा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अब ये नेक्स्ट पेज पे देखिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे सॉफ्ट आयरन कोर है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये इंसुलेटेड वायर है। सेम जब कभी भी अगर आप इंसुलेटेड वायर लेते हैं तो जस्ट बिकॉज शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए हम इंसुलेटेड वायर का यूज करते हैं। नाउ की बैटरी सर्किट कंप्लीट है। मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो आज इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड पढ़ा और सर्कुलर लूप में। ये तीनों पॉइंट्स या तीनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरी पोर्शन में हो जाता है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बट नोट्स आपको सारे हैंड रिटन मिल ही जाएंगे, तो आई होप आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।